क्या दोस्तों, आप भी सीखने चाहते हैं हैकिंग, लेकिन हैकिंग के लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है लिनक्स ओएस। तो काली लिनक्स को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से, वो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आई होप, मेरे को लगता है आज काली लिनक्स को इंस्टॉलेशन वर्चुअल बॉक्स से सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा लेटेस्ट है जो 2030 का है, तो कोई भी डाउट है तो आप आगे पूछ सकते हो। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विष्णु नेवाने और आप देख रहे हैं टेक्निकल रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले काली लिनक्स का जो वर्चुअल बॉक्स इमेज है उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसकी सारी की सारी प्रोसेस, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारी की सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आगे देखते रहिए। तो यार दोस्तों, आज हम करने वाले काली लिनक्स को इंस्टॉल। तो काली लिनक्स हमें वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना है, तो उसके क्या क्या मेथड है हम सारा आज के लिए क्लियर कर देंगे। तो हमें जाना है सीधा गूगल पे, वहां पे करना है काली ओआरजी सर्च। उसके बाद आप ऑफिशियल काली की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो काली के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल तरह के डाउनलोड बटन दिख जाएंगे, जिसमें आपको इमेजर इंस्टॉल, वर्चुअल वगैरह सब चीजें, लाइव यूएसबी, आप यूएसबी में भी पेन ड्राइव वगैरह में आप काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो उसकी सारी डिटेल। तो गाइज, हमें चाहिए इसमें से वर्चुअल मशीन जो है काली के लिए। इसके ऊपर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है, पता है, उसके ऊपर अपन जैसे क्लिक करेंगे ना, जिससे अपने को ये मशीन खुल जाती है, जिससे अपने को पता चलेगा कि वो चीजें कैसे हो रही है। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन खुल गई। यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से इसके लिए चाहिए, मतलब आपको आपका कंप्यूटर कौन सा है, 64 बीट है या 32 बीट है। तो भाई हमारा 64 बीट है, और आपको इसमें से दिखा है वर्चुअल बॉक्स 64 बीट रिकमेंडेशन भी इसमें दिया है। तो यहाँ पे ऊपर डाउनलोड के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, 2.9 GB की, जो मैंने पहले डाउनलोड कर चुका हूँ। इसके बाद आपको जाना है और सॉफ्टवेयर में जो है वर्चुअल बॉक्स। यहाँ पे आप जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे वर्चुअल बॉक्स में, इसके अंदर अपने को इंस्टॉल करना है। तो इसको अपन मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं, विंडोज होस्ट, मैक ओएस, सबके लिए अपन इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, विंडोज होस्ट इसके ऊपर अपन जैसे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो गया है। तो मेरी मशीन में पहले से इंस्टॉल था। इसके बाद अपने को क्या करना है, सीधा जाना है अपने फाइल में, जो अपनी फाइल है। तो आपको डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसी फाइल मिलेगी गाइज, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे काली लिनक्स की। आप इस जिप फाइल को आप जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका ऐसा फोल्डर बन के आ जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको दो फाइल मिलेगी काली लिनक्स की। ये जो फाइल दिख रही है आपको, तो ये है डिक्स फाइल, जिसको बोलते हैं हम आईएसओ इमेज, और ये ऊपर वाली दिख रही है ये वर्चुअल बॉक्स की फाइल। अगर गाइज आपको कम टाइम में अगर आपको करना है तो आपको वर्चुअल बॉक्स वाली इमेज को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। या दूसरी चीज अगर आपको करना है तो दूसरी मेन चीज क्या पता है, दूसरी चीज ऐसी कि आप जो वर्चुअल बॉक्स की फाइल है उसके ऊपर आपको मैन्युअली चीजें सेट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैन्युअली नहीं करना और आपको कम टाइम के अंदर सारी की सारी चीजें एकदम रेडी कर लेना है, तो उसके ऊपर आपको क्या करने का, ये जो है इसके ऊपर डबल टैप करने का। उसके बाद अपना ये जो है ये अपना वर्चुअल बॉक्स है। यहाँ पे मैंने तीन फाइल पहले ऐड करके रखी थी, मतलब तीन मशीन, मेटास्पोलेबल डेप्ट एंड सेंटोएस। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें और एक चीज इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये जो काली लिनक्स वाली जो फाइल है इसके ऊपर अपन जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो देखो गाइस, यहाँ पे वो चीज ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे वो ऐड हो गई, लेकिन इसमें क्या किया है, तो इसने इसको सारे चीजें कस्टम ले ली, जो इसको चाहिए उस हिसाब से सारे प्रोग्राम जैसे सेट थे कि वैसा ही ले लिया। लेकिन अपने को क्या करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने का है और इसमें सारी की सारी चीजें इसके अपने को चेंज करनी है। जैसे डिस्प्ले देखो गाइस, यहाँ पे डिस्प्ले मेमोरी कितनी दी है, मॉनिटर काउंट कितना दिया है, आपका 0 है, आपको मॉनिटर कम से कम थोड़ा बहुत तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मॉनिटर बढ़ा दिया, उसके बाद रिमोट वगैरह वो हो गया। उसके बाद गाइस दादा, आपका नेटवर्क वगैरह, नेटवर्क में आपके कौन कौन से कैसे कनेक्टेड है वो आपको इसमें दिख जाएगा। बस सिस्टम में जाएंगे आप तो सिस्टम की सारी चीज़ें, आपको रैम बूस्टर को थोड़ा बढ़ाना है, आपने इसको रैम दे दिया अच्छा खासा। ठीक है, मैंने अच्छा रैम दे दिया इसको, रैम बढ़ाना है। उसके बाद प्रोसेसर दिखेगा, प्रोसेसर कितना है, तो इसको एक प्रोसेसर है, हम इसको 4 प्रोसेसर अलॉट करते हैं, जिससे कि हमारे इसकी स्पीड जो है ना, ऑलमोस्ट गाइस स्पीड बहुत सही चलेगी और बहुत सही तरीके से चलेगा। ठीक है, उसके बाद अपने को दिखता है ये सब चीज़ें डिफॉल्ट रह देने का, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करने का, यूजर इंटरफेस वगैरह कैसे दिखेगा उसके ऊपर बाद अपने को ओके पे क्लिक कर देना। तो ये अपना जो काली लिनक्स का जो फाइल है तो ये इसमें ऐड हो गया है। तो अभी करने का इसके इसको सिलेक्ट करने का, स्टार्ट बटन के ऊपर आप जैसे गाइस क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपनी मशीन स्टार्ट होना स्टार्ट होगी। आपको यहाँ पे दिख जाएगा मशीन स्टार्ट हो रही है। तो गाइस एक्चुअली पता है, जिन लोगों को ना इथिकल हैकिंग वगैरह चीजें सीखनी है, तो इथिकल हैकिंग के हिसाब से ना बहुत ज्यादा सही है, और मोस्ट ऑफ हैकिंग ये काली लिनक्स के ऊपर ही होती है, बहुत सही चीज है। ठीक है,
आप लोग सीखना चाहते हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब टेक्निकल वीपीएन यूट्यूब चैनल, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे कंटेंट आता है जिसके आपको डेली लाइफ में बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको अवेयरनेस मिलेगा ऑल मोर ऑल। ठीक है, ये देखो आपको गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, हम इसको पूरा फुल डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे काली लिनक्स की अपनी स्टार्ट हो गई, ये रहा अपना वर्चुअल बॉक्स वाला और ये रहा अपना मशीन वाला। तो अपनी मशीन स्टार्ट हो गई गाइस, यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो यूजर आईडी कभी भी डिफॉल्ट रहता है स्मॉल लेटर में काली, और पासवर्ड रहता है काली। और इसके बाद अपन जैसे गाइस एंटर करेंगे, ये स्टार्ट हो गया है अपना काली लिनक्स स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है ना अपने को बहुत छोटा दिख रहा है। तो वर्चुअल बॉक्स में एक्चुअली इसको अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गाइस अपने को व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एडजस्ट विंडोज साइड होस्ट ए, आप शॉर्टकट की प्रेस करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर अपन जैसे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा साइड में आएगा, इसके ऊपर अपन जैसे फुल डिस्प्ले करेंगे गाइस, ये देखो पूरा का पूरा अपना काली लिनक्स इसमें इंस्टॉल हो गया बहुत सही तरीके से। मेरे को लगता है इसके रिलेटेड आपको अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सब चीज आपको अच्छे से समझ गई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है ना गाइस, तो आप हमें कमेंट कर दो यार, कमेंट करने के बाद आपको सारे के सारे इसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में आपको सारे के सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सब चीजें दिखेगा, डिवाइस वगैरह वो चीजें, यहाँ पे फोर विंडोज और टर्मिनल, राइट क्लिक करेंगे यहाँ से आपको सेटिंग्स को अपन चेंज कर सकते हैं, जिसमें अपन जैसे चाहे वैसे थीम आप लगा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, बात करते हैं काम की गाइस। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो आपको इसमें आपको टूल मिल जाएंगे, चीजें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल हो गया, अवेलेबिलिटी असेसमेंट का हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, डाटा बेस, पासवर्ड ट्रैकिंग, सब चीज के आपको इसमें टूल मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई टूल नहीं पता तो आपको आप गेट कॉलोन करके उसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, बहुत सही चीज है गाइस। तो आई होप गाइस मेरे को लगता है आपको ना बहुत सही चीजें नॉलेज मिल गया है, तुम्हारा भाई बहुत सही दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखना चाहते हो ना, आप टेक्निकल वीपीएन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और ऐसी बढ़िया चीजें आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, जिससे आप हमारे चैनल से जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना आपका प्लस पॉइंट रहेगा, आपको साइबर सिक्योरिटी में सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये रहा था आपका अपना आज का ट्यूटोरियल, जिसमें अपन ने काली लिनक्स का प्रॉपर इंस्टॉलेशन दिया है। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपके सारे कमेंट के रिप्लाई दे देंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे, अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।